हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 7:05, तो मैं आप लोग को टाइम दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैं आज आ गई हूँ, अभी अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बांग्ला में ब्लॉग बनाई हूँ, माय फर्स्ट ब्लॉग बांग्ला में मैं बनाई हूँ वीडियो। उसके बाद मैं सोचा कि हिंदी में भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो जो मेरा नॉन बंगाली फ्रेंड है उन सबको बांग्ला भाषा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सोचा कि हिंदी में बनाती हूँ, तो मेरे दोस्त लोग को, मेरे फ्रेंड लोग को अच्छा होगा। बहुत कोई है जो बंगाली समझता नहीं है, उनको सिर्फ हिंदी में अच्छा लगता है सुनने में, तो इसलिए हम सोचे कि चलो मैं अपना हिंदी में एक फर्स्ट ब्लॉग बना लेती हूँ, माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मेरा नाम है अनु और अनुस ब्लॉग मेरा चैनल है, और मैं रहने वाली हूँ वेस्ट बंगाल रानीगंज, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट रानीगंज में रहने वाली हूँ। मेरा शादी हो गया है आज 16 साल, ठीक है। और मेरा हस्बैंड जॉब करता है, वो हम आप लोग को बताऊंगी। और मेरा फैमिली में मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा सासू माँ। तो मेरा सासू माँ मेरे पास नहीं रहती है, वो मामा ससुर का घर में रहती है। तो ठीक है, मैं सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या करूंगी, सबको देखते हैं ब्लॉग बनाता है, तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन हो नहीं रहा था, तो आज मैं सोचा कि मैं बनाऊंगी। और मेरा मैं मतलब कोशिश करूंगी नया नया वीडियो देने का, आप लोग को साथ सब कुछ शेयर करूंगी। और देखिए मैं स्वेटर पहनी हूँ, अभी ठंडी भी लग रही है और पंखा नहीं चल, मतलब बाहर गए थे थोड़ा सामान लाने, तो मैं क्या क्या लाई हूँ मैं दिखा दूंगी आप लोग को। और बहुत गर्मी लग गया है, तो एक मिनट मैं स्वेटर खोल के फिर आती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आ गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैं स्वेटर खोल के यहाँ पर रख दिया हूँ, ये देखिए स्वेटर, ठीक है। तो चलिए मैं कितना मेरा क्वालिफिकेशन मैं बता देती हूँ, मैं ज्यादा दूर तक नहीं पढ़ी हूँ। जब मैं 8 में थे तब मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था, तब भी हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मतलब क्लास में नाम, स्कूल में नाम था, मतलब पढ़ी हूँ 8 तक, लेकिन क्या करूँ ये नसीब है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ा हमको, क्लास 8 में मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था इसलिए हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। लेकिन हमको बहुत इच्छा था कि मैं बहुत दूर तक पढ़ूंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी, लेकिन मेरा इच्छा नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि घर बैठ के मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूंगी मेरा काम, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, और बहुत बहुत शेयर करें, लाइक कमेंट करें। तो ठीक है, चलिए मैं दुकान गए थे ना, क्या क्या सामान लाई हूँ मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आलू ले लिया हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्याज है, आदी है, यहाँ पर मूढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए मूढ़ी है, मूढ़ी ले लिया हूँ, क्योंकि बंगाली लोग तो मूढ़ी बहुत पसंद करती है और हमको तो मूढ़ी खाने में बहुत अच्छा लगती है। यहाँ पर आटा ले लिया हूँ, आटा इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह में ड्यूटी जाता है, तो उनको रोटी और चावल दोनों बना के देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक तो जीरा ले लिए हैं, और यहाँ पर छोटा पैकेट दूध ले लिए हैं, मिल्क, ठीक है, ये व्हाइट तेल है। और यहाँ पर देखिए ये सरसों का तेल, ये सरसों का तेल है, देख रहे हैं। तो मैं अभी तक यही सब सामान लाई हूँ, और मैं तो बंगाली हूँ आप लोग तो जानते हैं ना, मैं पहले ही बोली हूँ कि मैं बांग्ला में मेरा फर्स्ट ब्लॉग बनाया है, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बनाई हूँ कि मेरा बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो नॉन बंगाली है, उनको बांग्ला समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए बनाई हूँ। और आप लोग भी देख सकते हैं जो जो मेरे दोस्त लोग हैं बंगाली, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं क्या क्या, मैं अपना घर का काम मैं खुद ही करती हूँ। मार्केट जाना, सब्जी लाना, आटा चावल, राशन लाना, सब कुछ, क्योंकि मेरा हस्बैंड सुबह जाता है ड्यूटी में और रात को आता है। मेरा हस्बैंड का दो दो ड्यूटी है, इसीलिए सुबह में 5 बजे से 8 बजे तक एक जॉब करता है, उसके बाद 10 बजे से 8-9 बजे तक और एक जॉब करता है। तो मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? आज जिनको जिनको बांग्ला समझ में आता है वो मेरा चैनल में मिल जाएगा, ठीक है? देख लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए। मेरा भाई अभी फोन किया था, मेरा भाई बोला कि मैं आ रही हूँ, पता नहीं वो क्या लेके आएगा, तो देखती हूँ वो क्या लेके आती है, आता है, सॉरी, वो क्या लेके आता है। उसके बाद और एक बात बोल देती हूँ, मेरा भाई कैमरे का सामने में नहीं आना चाहता है, जानते हैं? नहीं तो हम कभी तो उसको लाएंगे जरूर कैमरा के सामने। तो ठीक है, चलिए, बाद में फिर मिलते हैं। फिर से आ गई हूँ, मेरा भाई अभी आया था, 5 मिनट तक बैठा नहीं, अभी जल्दी आया, मतलब तुरंत आया, तुरंत चला गया, सिर्फ हमको रोल देने आया था। तो फोन करके बोला कि हम आ रहे हैं, तो हम सोचा बैठेगा, चाय वही पिएगा, लेकिन नहीं आया, रोल दिया, चला गया। ये देखिए रोल दिया। तो चलिए मैं खा लेती हूँ रोल, ठीक है? नहीं तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ, ठीक है? तो मैं सोचा कि रोल है तो मतलब सिर्फ एग रोल है, लेकिन इसमें तो एक चिकन डाला हुआ है। तो देखिए चिकन, देखिए चिकन सब डाला हुआ है, तो चिकन रोल है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है चिकन रोल खाने में, और कौन कौन और किस किस को चिकन रोल खाने में अच्छा लगता है हमको कमेंट में जानिए, ठीक है? यम्मी। बनाऊंगी तो आलू भुजिया, मेरा हस्बैंड को फेवरेट है, तो ठीक है आलू भुजिया बना लेती हूँ। तो चलिए आलू भुजिया बनाएंगे। और हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं खाना भी खा लिया, रोहित भी आ गया, मेरा हस्बैंड, दोनों मिलके खाना खा के मैं स्किन केयर कर लूंगी, नाइट स्किन केयर। तब तक सब कोई हमको सपोर्ट करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट और बहुत सारा बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट। ठीक है।